हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरी चैनल पे गार्डनिंग विद एल्विका। फ्रेंड्स, ये देखे, ये मेरा अपरिचिता पौधे में अभी फूल आना शुरू हो गया है। और पिछले हफ्ते आपने देखा होगा, इसमें फूल नहीं थे और कलियां भी नहीं थे, तो मैंने सोचा था इसकी पूरी हार्ड प्रूनिंग कर दूं। तो उसके बाद बहुत तेज़ बारिश हो गई और मैं इसकी प्रूनिंग नहीं कर पाई। और आज देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे फूल खिले हैं और बहुत सारे कलियाँ भी थे। और इसकी कटिंग्स मैंने पिछले हफ्ते लगाए हैं और वो वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है फ्रेंड्स। वो कटिंग्स सक्सेसफुल होते ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी मैं इसकी प्रूनिंग नहीं करूँगी और जो बेल की तरह जा रहा है वो ही मैं इसकी थोड़ी ऊपर से पिंचिंग करूँगी। और अभी इसमें बहुत सारे फूल खिले, अभी विंटर में इसमें बहुत सारे फूल भी खिलेंगे। और वहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इस अपराजिता के पौधे की सीड्स गिरकर वहाँ पे भी एक पौधा उगे है और उसमें भी फूल आ रहे हैं। और इसमें देखिए फ्रेंड्स, विंका के बहुत सारे बेबी प्लांट्स निकले हैं, ये देखिए। और इस पौधे में देखिए, इस पौधे में और भी बहुत ज़्यादा फूल खिले हैं, ये देखिए फ्रेंड्स। हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है फ्रेंड्स। जून 7 तारीख से ही बारिश हो रही थी और बीच बीच में बारिश नहीं थी, अभी फिर से अभी 15-20 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इसलिए मुझे मेरे गार्डन का काम बहुत बाकी है। बहुत तेज़ बारिश की वजह से मैं गार्डन का काम नहीं कर पाती और इसलिए ये सब काम बाकी रह गया है। बहुत सारा काम है मुझे अभी। देखिए, इसमें बहुत सारे खूबसूरत फूल खिले हैं, बहुत पसंद है मुझे ये पौधा। इस देखिए खूबसूरत फूल खिलते हैं और इसके कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत। अभी रेनी सीजन में इसका कलर डार्क होता है और समर में थोड़ा सा लाइटिश ब्लू होता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा जिंजर बटरफ्लाई लिली का पौधा मैंने पिछले हफ्ते इसमें लगाए थे, अभी तक इसमें फूल नहीं आ रहे हैं। और ये देखिए, तो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।